नमस्ते साथियों, जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थान नामांतरण से संबंधित मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में जो विषय वस्तु है कि जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थान नामांतरण नीति, तो साथियों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं बिंदुओं के बारे में जानते हैं कि किस तरह से जिला स्तर पर स्थान नामांतरण होंगे। यहाँ पर संदर्भित पत्र दिया गया है, इसके अलावा यहाँ जो विवरण है तो विवरण देखिएगा कि कृपया संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थान नामांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है, यानी वर्तमान में जो स्थान नामांतरण है वो नहीं होंगे, इन्हें उस पर प्रतिबंध किया गया है। किंतु आगे बिंदु क्रमांक दो में कहा गया है कि राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 15 जून 2023 से 30 जून 2023 की अवधि के लिए जिले के भीतर स्थान नामांतरण से प्रतिबंध को शिथिल करता है। देखिएगा, वर्तमान में प्रतिबंध तो लागू है किंतु 15 जून से 30 जून की अवधि के लिए जिले के भीतर स्थान नामांतरण पर शिथिलता जो है वो दी गई है। ठीक है, बिंदु क्रमांक तीन में कहा गया है कि इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चौथा बिंदु है सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप का दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थान नियंत्रण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के स्थान पर दिनांक 1/4/2022 से दिनांक 14/6/2023 एवं कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 30/6/2023 पढ़ा जाए। तो ये बिंदु दिया गया है और जैसा कि इस बिंदु में कहा गया है, आप देख रहे हैं मेरे पास में स्थान नामांतरण जो नीति है यहां देख रहे हैं, जो कि 24 जून 2021 को जारी की गई थी। तो इस बिंदु में जो कहा गया है कि 24 जून 2021 द्वारा जो जारी स्थान नामांतरण नीति की कंडिका 7 है, यहाँ पर आप देखेंगे कंडिका 7, तो इस कंडिका 7 में जो कहा गया है कि दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया उन्हें पुनः स्थानांतरित समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर तिथि के बारे में कहा गया 1/4/2020 से 30/6/2021, तो इसके स्थान पर क्या पढ़े जाने को कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 1/4/2022 से 14/6/2023 पढ़ा जाए और कंडिका 41। अब यहां पर देखिएगा कंडिका जो 41 है, इस कंडिका 41 में जो कहा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कंडिका 41, समस्त स्थान नियंत्रण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष के शासकीय ईमेल द्वारा जारी किए जाएंगे। 31 जुलाई 2021 के बाद की गई ईमेल में उल्लेखनीय स्थानांतरण अवधि के बाद जारी किए जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे, ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 31 जुलाई 2021 जो दिया गया है इसके स्थान पर क्या पढ़े जाने को कहा गया है, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर 30/6/2023 पढ़ा जाए। यानी यहाँ अगर हम ये कहें तो यहाँ पर समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष के शासकीय ईमेल द्वारा जारी की जाएंगे, तो यहाँ 31 जुलाई 2021 के स्थान पर हमको क्या पढ़ना है, 30 जून 2023 के बाद की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जावेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कहा गया है। और जो पांचवा बिंदु है इसमें कहा गया है कि शेष व्यवस्था
सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थान नामांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी, अर्थात जो भी स्थानांतरण होंगे इस नीति के अनुरूप होंगे। इस स्थानांतरण नीति में यदि हम देखें तो पृष्ठों की संख्या लगभग 30 दी गई है, ठीक है, बहुत विस्तृत स्थानांतरण नीति है, ठीक है, इसमें सारे बिंदु दिए गए हैं और आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, और इसे आप चाहें तो जो मध्य प्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन विभाग का पोर्टल है उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इस स्थान नामांतरण नीति के संदर्भ में आप तक जानकारी प्रस्तुत की, आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।